हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज के मार्केट पे एक बहुत ज्यादा हमें आखिरी के टाइम पे एक सेल ऑफ देखने को मिला था। अब रीजंस जनरली जो ये देखने को मिल रहे हैं कि जो बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का जो सबसे ज्यादा डर हमें देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, तो उसकी वजह से शायद कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकती है गवर्नमेंट, फेड ले सकती है, रिजर्व बैंक ले सकती है, जिसकी वजह से शायद मार्केट को अच्छा ना लगे और मार्केट गिर सकती है। इसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है और FIIs और DIIs दोनों की तरफ से, एंड हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा एक सेल ऑफ ये कंटिन्यू रह सकता है। अब इसे किस तरीके से अप्रोच से लेकर चलना चाहिए, कैसे स्टॉक्स पे काम करने चाहिए, क्या सेफ साइड होनी चाहिए, बिकॉज हमें सेफ साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी मार्केट अनसर्टेन है तो हम सेफ साइड की तरफ फोकस करके ना पैसों को सेफ भी रख सकते हैं और शायद कुछ कमा भी सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए दो स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करे हुए हैं जो आप कैश में बाय कर सकते हो हल्के हल्के, और वो आपको अगर ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू भी रहती है तो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स मैंने ऑल टाइम हाई के थ्रू ले रखे हैं आप लोगों के लिए, तो लेट मी शो यू। इसके अलावा एक ऑप्शन ट्रेड दोबारा मैं सेम रिपीट करने वाला हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, और चेक करते हैं कि किस तरीके से मार्केट पे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि और किस तरीके से आप हम चाहते हो कि हम इस वीडियो को चेंजेस लेकर आए। चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहला स्टॉक अपना ओपन करके रखा हुआ है, विनाति ऑर्गेनिक की बात मैं कर रहा हूँ, और मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक अच्छा सिमेट्रिकल चैनल क्रिएट हो रखा है, एंड इस चैनल के अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अब हम लोग एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चैनल बना हुआ है ये ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं इस चैनल को बने हुए, और अब शायद ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर इस स्टॉक की हम बात करें तो डेफिनेटली गाइस, इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज 2180 रुपीज के आसपास, और अभी 2100 के आसपास चल रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और आई थिंक कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा और एक मेजर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। गाइस, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूँ तो उसमें मुझे पसंद क्या है, सबसे पहले लेट मी शो। एक चैनल के अंदर ये क्रिएट करा, एक रेंज बाउंड रहा पूरे 1.5 साल तक। इसके अलावा अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करेंगे ना तो वॉल्यूम्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, बिल्कुल वॉल्यूम्स कम रहा है। आप देख रहे हो हल्के हल्के पूरे के पूरे वॉल्यूम्स इसके खत्म हो चुके हैं। सो यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है एंड अगर वॉल्यूम्स राइज होते हैं तो एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 2100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर कल ये ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है 2110 रुपीज के लेवल को तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रिमाइंड दोबारा करवा लेता हूँ आपको, जो हर वीडियो में मुझे करवाना ही पड़ेगा, कि 15 मिनट की एक कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर जब तक क्लोज ना करें तब तक बाय बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड अ टारगेट। सो अब बात करते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस की। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आप सबसे पहले समझिएगा कि ये रेंज का डिफरेंस क्या है। तो ये जो रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज दिस लेवल, यहां तक हम अपना एक टारगेट एज्यूम करके चल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम यहां पर बाय करेंगे दिस शुड बी आर टारगेट, एंड आप देख सकते हैं जो टारगेट आ रहा है 2285 रुपीज का आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अपने लेवल से 280-300 पॉइंट्स ऊपर है। दैट इज वेरी इनफ अगर हम कैश में बाय कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट मोर देन 7% का रिटर्न हमें प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस के लिए चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली इस लेवल पे हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, इस लेवल पे एक बेस लिया था। सो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे होगा, जो कि आ रहा है 1960-1945। तो स्टॉप लॉस इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द टारगेट। तो ये हमारा पहला स्टॉक है विनाति ऑर्गेनिक्स। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के। सो गाइस, दूसरा स्टॉक जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल को हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पर आपके सामने, एंड क्लियरली इसका भी साइन बहुत अच्छा है। ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी रिकमेंड करा था अपने प्रीवियस वाली वीडियो में, एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्लियरली। सी दिस, अब इस पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। कल के ट्रेडिंग सेशन पे हम लोगों ने देखा था एक बड़ा फॉल आया था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक फॉल आया था, बट हमारे लेवल के ऊपर नहीं गया था। आज के हमारे लेवल के ऊपर भी गया और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी भी इसने करी थी। सो पर्टिकुलर स्टॉक मुझे एग्जैक्टली पसंद आ रहा है, इसका ओपन इंटरेस्ट डाटा भी स्टडी करते हैं, ये एक ऑप्शन ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। ये मैं दोबारा करवाना चाहूंगा कि मार्केट अभी अनसर्टेन है तो ज्यादा लॉट्स पे ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा, कम लॉट पे करिएगा, अदर देन दैट आप इसको कैश में भी बाय कर सकते हो। अब आप देखिएगा तो अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज 4816 रुपीज का चल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छे रेंज का ब्रेकआउट दिया है,
एंड अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करूंगा तो भी आप देख सकते हैं कि कल के दिन एक बहुत बड़ी फॉल आई थी, बट आज के दिन हमें इस लेवल के ऊपर बाय करना था 4740 के ऊपर जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती। तो एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक बहुत अच्छी कैंडल क्लोज करी, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी दिया एग्जैक्टली इस लेवल पे एंड एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। ये स्टॉक डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के लिए मैं रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये 5000 के लेवल को भी क्रॉस कर देगा, विद इन अ वीक मुझे लगता है 5000 के लेवल को क्रॉस कर देगा। तो अगर आप इसका ऑप्शन बाय कर रहे हो तो 4900 की स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको बताई थी एग्जैक्टली आप उसको दोबारा ट्रेड कर सकते हो। कल अगर मार्केट के फॉलो होने के जो चांसेस लग रहे हैं, गैप डाउन शायद ओपनिंग हो सकती है, उसको हम स्टडी करेंगे। अगर ये भी नीचे खुलता है और अगर वहां पर एक रिकवरी साइन दिखता है तब आप ऑप्शन बाय करेंगे, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। बट अगर इसी लेवल पर खुल के ऊपर जाता है तो भी आप बाय कर सकते हैं। और ज्यादा अपडेट जो भी होंगे मैं लाइव मार्केट पे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां पर आप स्टे ट्यून्ड जरूर रहेगा। डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। तो गाइस हमारा थर्ड स्टॉक है उषा मार्ट। उषा मार्ट पे जाने से पहले गाइस इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी स्टडी कर लेते हैं। तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है आप यहां देख सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल पे जितने भी कॉल राइटर्स थे 4600 से लेके 5000 के लेवल तक सारे के सारे कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन 4600, 4700 एंड 4800 पे भी बना रखी है, यानी कि हर 100 रुपए के लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस क्रिएट हो रखा है, जिसकी वजह से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा फॉल नहीं करेगा और अगर नीचे जाता है तो एक रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो गाइस हमारा जो लास्ट स्टॉक है दैट इज उषा मार्ट्स। तो एक बार उषा मार्ट्स की तरफ चलते हैं एंड उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम ओपन करने वाले हैं। सो गाइस मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा क्या देखने को मिला है? आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो इसका लाइफ टाइम हाई था ना वो था 2008 जनवरी पे इसका लाइफ टाइम हाई था 152 रुपीज का। उससे पूरा फॉल करा है ऑलमोस्ट 6-6.5 रुपए तक आ गया था। यस गाइस 6.5 रुपए तक 150 से गिर के आ गया था। उसके बाद इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी और ऑलमोस्ट 14 साल बाद गाइस अब ये ब्रेकआउट दिया और इसने आज के दिन अपना एक नया लाइफ टाइम हाई। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मुझे अच्छा ही लग रहा है कि 14 साल की जर्नी को जब ये अपने लेवल तक पहुंचा है तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अभी ट्रेड कर रहा है 151 रुपीज पे, हम इसे बाय कर सकते हैं जब ये 153 के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज करेगा। यस गाइस अभी इस पे हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हमें 1 घंटे की कैंडल उसके ऊपर क्लोज इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लोज हो जाती है और अगर ये 147-148 तक भी गिर जाता है तो भी आप हल्के हल्के क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। रिमाइंड दोबारा करवा लेता हूं मैं आपको कि बहुत अच्छी रैली से ऑलमोस्ट 6 रुपए से ये 152 दोबारा आया है, तो अगर ब्रेकआउट आता है तो एक साथ बड़ी क्वांटिटीज एक्यूमुलेट मत करना, हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बाय ऑन डिप्स करेंगे और ये स्टॉक मुझे लगता है कि डबल होने के भी चांसेस दे सकता है और 200 रुपए का लेवल तो बहुत ईजिली क्रॉस कर सकता है। सो गाइस दो कैश के स्टॉक्स थे, एक ऑप्शन का स्टॉक था। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूं तो आज एक ड्रास्टिक फॉल जो हमें लास्ट आवर में देखने को मिला था, लेट मी शो यू, यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली। और मैंने अपने टेलीग्राम पे वॉइस नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें मैं बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या मार्केट का सीन लग रहा है। तो आज हमने बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे जब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर थी, कि हम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा फोकस करेंगे। अब एक ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिला था, ये किसी ने भी एग्जामिन नहीं करा होगा डेफिनेटली बिकॉज एक न्यूज आई है उसके बेसिस पे ये पूरा फॉल हुआ। बट अब हम मान के चल सकते हैं कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 16,880 to 16,900, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 16,600 to 16,570 रुपीज का लेवल। अब यहाँ पर अगर मैं सारी चीजें आपको ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँ एंड मैं सब रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे स्टडी कर पाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेगा हुआ क्या, एक अच्छी रिकवरी के बाद एक डोजी क्रिएट हुई। डोजी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो वीकली कैंडल जो पिछला हफ्ता था वो डेफिनेटली एक गैप डाउन पे रहा। इस हफ्ता जो स्टार्ट हुआ वो भी एक ड्रास्टिक गैप डाउन के साथ हुआ, मतलब लगातार 2 हफ्ते एक गैप डाउन के साथ हुआ और उसके पहले एक डोजी हमें टॉप पे देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ये जो डोजी का हाई था ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसे भी ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मींस कि एक लोअर हाइस एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन चल रहा है। ये टेक्निकल टर्म्स में अगर हम मान के चले तो एक बियरिश सेंटिमेंट है, बट अगर हम इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करें तो अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट रिकवर कर सकती है बिकॉज एक अच्छी अपमूव आने के बाद अगर हम इसका फिबोनाची लेते हैं तो फिबोनाची के थ्रू हमें पता चल रहा है कि ये एक जोन है जिस जोन में जाके शायद निफ्टी पॉज ले सकता है
और एग्जैक्टली जोन का अगर आप लास्ट देखोगे तो 16,600 है। सो गाइस अगर 16,880 ब्रेक होता है क्लियरली तो नेक्स्ट टारगेट शुड बी 16,600, 16,620 का, वहां पर हम लोग एग्जिट करेंगे, वेट करेंगे, अगर कोई रिवर्सल दिखता है तो वी ट्राई टू एंटर, अदरवाइज अगर इसी लेवल से रिवर्स करता है तो आई एक्सप्लेन यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल, बिकॉज ये रिकॉर्डेड है तो यहाँ पर मार्केट लाइव मार्केट पे कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फॉर दैट मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलती रहेगी। अब इसका एक बार जरा बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का ओपन इंटरेस्ट डाटा भी स्टडी करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ना हम लोगों को एक ज्यादा बड़ी फॉल एक्सपेक्ट होने को लग रही है। अगर आप यहाँ चेक करोगे, लेट मी रिमूव एवरी ड्रॉइंग टूल और इसका भी एक बार वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो निफ्टी के अंदर है। ये एक हाई था, उसके बाद एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, अगेन एक लोअर हाई क्रिएट हुआ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक डोजी हुई गैप डाउन लगातार चार हफ्ते हमें गैप डाउन देखने को मिला और एक बहुत बड़ा फॉल आया था। तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन जो पहले हमें देखने को मिली थी एग्जैक्टली वही फॉलो हो रही है। अभी एक डोजी बनी ऊपर, उसके बाद पिछला हफ्ता गैप डाउन, मंडे को गैप डाउन खुला, आज भी मंडे को गैप डाउन खुला था, सॉरी ट्यूजडे, कल के दिन गैप डाउन खुला था। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा डर डेफिनेटली मेंटेन है। अब शॉर्ट कहाँ करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस दोबारा मैं एक बार एग्जामिन करना चाहूंगा, दिस इज आर बॉटम, दिस इज आर टॉप। सो जो नेक्स्ट टारगेट मैं सोच के चल रहा हूँ दैट शुड बी अराउंड एट दिस लेवल, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 35,600 के लेवल्स तक का। अभी ट्रेड कर रहा है 35,340 का, अगर ये अपना लो ब्रेक करता है दैट इज अगर 36,180 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली टारगेट शुड बी 35,600 रुपीज का और बैंक निफ्टी इजिली हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो हमारे टेक्निकल टर्म्स पे तो हमने सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं, एक बार दोनों का ओपन इंटरेस्ट डाटा को स्टडी करते हैं एंड देखते हैं कि कितने कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक्टिव हैं एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे एंड कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट डाटा की तरफ। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा पर मैं आ चुका हूँ निफ्टी के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवी कॉल राइटर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो देखने को मिल रहे हैं 17,000 पे 3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल राइटर्स 3 मिलियन एक्टिव हैं 17,000 पे और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा 17,100 पे, 17,200 पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और 17,000 से लेके 17,200 तक पुट राइटर्स अपनी अनवाइंडिंग कर चुके हैं, विच इज अ बैड साइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 16,900 पे भी पुट राइट कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स और अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी एक नेगेटिव साइन। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और पास्ट का डाटा स्टडी करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटर्स एक्टिव हैं दैट इज 90 मिलियन गाइस और पुट राइटर्स कितने एक्टिव हैं 36 मिलियन। तो मेजर डिफरेंस अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मार्केट डेफिनेटली इस एक्सपायरी जो अपकमिंग एक्सपायरी है परसों, वहां पे मार्केट डेफिनेटली नीचे रह सकती है, तो हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लेनी है। आज जिस तरीके से एक पैनिक सेलिंग आई है, शायद अगर कल ऊपर जाने की कोशिश करे तो वो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट को शॉर्ट करने। बैंक निफ्टी को अगर मैं स्टडी करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर सेम टाइप ऑफ सिनेरियो है, सारे के सारे पुट राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं। आप देख रहे हो ना इस बार लाइन के नीचे, आपको नीचे बार्स दिख रहे होंगे, तो यानी कि पुट राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं। हैवी 36,500 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप टोटल कॉल्स देख सकते हो कितने हैं, 28 मिलियन एंड पुट रहे 12 मिलियन। सो गाइस क्लियरली पॉइंट ऑफ व्यू यही बता रहा है कि सेल ऑन राइज और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अभी हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल रही है। यहाँ पे कैसे काम करना है सारे अपडेट्स लाइव मार्केट पे देते रहूंगा, बट ज्यादा हेवी रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।